हेलो, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का नंबर सिस्टम का रैशनलाइजेशन। मैंने बीच में दो टॉपिक स्किप करे हैं, वो इसलिए स्किप करे हैं बिकॉज उसकी वीडियो मैंने अभी बनाई नहीं थी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ आपको रैशनलाइजेशन, इसके बेसिस, ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, ब्रीफ में है, इसलिए मैंने इसको पहले आपको बता रही हूँ। सो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इरेशनल नंबर बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास है 1/2 + √3। अब हमने करना क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में रूट की टर्म है, हमने उस टर्म को इरेडिकेट, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ द नंबर विद अ डिफरेंट साइन। जैसे पॉजिटिव √3 था, हमने नेगेटिव √3 ले लिया। तो हम सिंपल अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा आपका 2 - √3। यहाँ पे आपकी लग जाएगी आइडेंटिटी a + b, a - b, की a² - b² तो इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 4 - 1। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 2 - √3/3। तो ये आपका हो गया द नंबर, हमने इस नंबर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। इट इज सो सिंपल, बट कुछ इसमें आगे जाके थोड़े कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करने हैं। जैसे कि वी हैव अ नंबर 4 √3 + 5 √2/√48 + √18। तो सिंपल हमको इसको रैशनलाइज करना है। तो ज़्यादा अब हम इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, सिंपल सा स्टेप करेंगे। पहले हम इसको पॉजिटिव साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय √48। √3 + 5 √2/ इसका आ जाएगा आपका a + b, a - b। a + b, a - b 48 - 18। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अब हम। √3 + 5 √2 √48 को हम लिख सकते हैं 16 × 3 = 48, और 16 का रूट क्या होता है 4। तो हम √48 को लिख लेंगे 4√3, और √18 को लिख लेंगे 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। तो इसका आ जाएगा 3√2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 4√3 × 4√3 = 16, 16 × 3 = 48, 5√2 × 4√3 = 20, 2 + 20 = 6, 4√3 - 3√2 = 4√3 × √2 = 6 - 12√6, 5√2 - 3√2 = 15, 15 × 2 = 30 - 13। इसका आ जाएगा अपॉन 48 + 8√6 - 30/30। तो ये 18 + 8√6/30 आ गया, या फिर इसको आप कॉमन टर्म निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो। हमने 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4√6/30।
230 की हम रिड्यूस कर देंगे, आ जाएगा 9 + √6/15। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। नेक्स्ट है मैं आपकी 2 / √5 + √3 + 2। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब इस केस में हमारे पास दो रूट की टर्म है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? लाइक दिस, हमने ग्रुपिंग कर ली इसकी, √5 + √3 ग्रुप बना लिया और ये +2 लिख लिया यहाँ पे, तो सिंपल +2 अब यहाँ पे चल जाएगा। अब हम इस टर्म को माइनस की टर्म में लेके जाएंगे, √5 + √3 - 2, √5 + √3 - 2। अब सिंपल स्टेप है इसके, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सिंपल मेथड इसको सॉल्व करने का, अभी हम साइड टर्म को ऐसे रहने देंगे, इनको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जाएंगी मैनेज करना। तो सिंपल 2 √5 + √3 - 2, और ये टर्म मल्टीप्लाई की थी आपकी, तो इसको लिख देंगे हम √5 + √3 ये a + b, a - b बन गया, तो a² - b² अब इसको सॉल्व कर लो। √5 + √3 का होल स्क्वायर हम इसमें लगाएंगे आपका आइडेंटिटी a + b² a² + 2ab + b² तो √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √3 का होल स्क्वायर 3 + 2, √5 × √3 √15 और 4 2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा। ना इसको सॉल्व करते हैं हम, √5 + 3 = 8 - 4 = 4 + √15। 2 कॉमन निकाल लो, बिकॉज हमको पता है कि 2 ऊपर जो न्यूमरेटर में 2 है तो उससे वो कट हो जाएगा, तो 2 + √15, 2 से 2 कट, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टर्म क्या बची? √5 + √3 - 2 / √15। अब हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? सिंपल स्टेप, 2 - √15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको। अब सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को इस पूरी टर्म से कर लेते हैं, इसका आ जाएगा आपका −4 - √5 + √3 - 4 - √15 √5 - √15 √3 - −2 √15 तो +2 √15। नीचे a + b, a - b तो 4 - 15। अब जो हमारी ये वाली जो टर्म आई थी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 √5 को वी कैन सिंप्लीफाई, सो वी विल राइट इट्स 2 √ ऐसे लिखेंगे 2 √5,
प्लस 2√3 माइनस 4। नाउ √15 और √5 जब मल्टीप्लाई होंगे इट बिकम माइनस ऑफ √75। √15 और √3 मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ √45 प्लस 2√15 अपॉन 4 माइनस 15 माइनस 11। नेक्स्ट स्टेप 2√5 प्लस 2√3 माइनस 4। नाउ माइनस √75 को लिख लेंगे हम, वी नो दैट 25 3 75, सो 25 का रूट 5, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 5√3 और माइनस 45 को 9 5 45 9 का रूट 3, तो माइनस 3√5 प्लस 2√15 अपॉन माइनस 11। नाउ अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2√5 माइनस 3√5 इट बिकम माइनस ऑफ √5, 2√3 माइनस 5√3 इट बिकम माइनस ऑफ 3√3, 4 और प्लस 2√15 अपॉन माइनस 11। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो तो आपकी टर्म रह जाएगी √5 प्लस 3√3 प्लस 4 माइनस 2√15, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमको हर एक नंबर को रैशनलाइज करना है। हाउ डू वी डू दैट? एक क्वेश्चन है लाइक ए एंड बी आर रैशनल नंबर, ओके, एंड 2√5 प्लस √3 अपॉन 2√5 माइनस √3 प्लस 2√5 माइनस 3 अपॉन 2√5 प्लस 3 इज इक्वल टू ए प्लस √15 बी। इस केस में वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी फॉर्म में लिखना है, तभी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड ऑफ बी। गेट इट? सो हाउ वी विल डू दिस, सी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, सिंपल वी विल डू इट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2√5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2√5 माइनस 2√5 माइनस √3 होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस इनकी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी इसमें तो हमको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का आपस में, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट, 2√5 माइनस √3, 2√5 प्लस √3, तो वही ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई करो, 4 5 20, 2 3 9, 2 3 6, 6 2 12, 12√5, ओ सॉरी ये अभी रूट है, 4√15 और इसका आपका आ जाएगा प्लस
ट्वेंटी प्लस थ्री रूट थ्री था, आई गेट कि वो थ्री है, वो रूट थ्री था. तो टू रूट फाइव प्लस रूट थ्री का स्क्वायर ए स्क्वायर, टू रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस टू ए बी, टू टू फोर, रूट फाइव इंटू रूट थ्री रूट फिफ्टीन. तो फोर रूट फिफ्टीन प्लस टू रूट फाइव का होल स्क्वायर ट्वेंटी, रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री माइनस फोर रूट फिफ्टीन. ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू रूट फाइव, टू रूट फाइव का स्क्वायर कितना था ट्वेंटी और इसका था आपका थ्री. ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री प्लस फोर्टी सिक्स कैंसिल हो जाएंगी ये टर्म, ट्वेंटी माइनस थ्री सेवनटीन. तो हमारे पास टर्म क्या बची, फोर्टी सिक्स अपॉन सेवनटीन. और ए प्लस फिफ्टीन, ए प्लस रूट फिफ्टीन बी इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स अपॉन सेवनटीन. इट मीन्स ए इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स अपॉन सेवनटीन और बी को ले लेंगे हम रूट फिफ्टीन इन, बी को ले लेंगे हम ज़ीरो. तो अगर हम इस टर्म को इसमें इक्वेट करते हैं तो हम व्हाट वी विल गेट, फोर्टी सिक्स अपॉन सेवनटीन प्लस रूट फिफ्टीन इंटू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा. तो ए आपका आ जाएगा फोर्टी सिक्स अपॉन सेवनटीन. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर ए की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी सिक्स अपॉन सेवनटीन और बी आपका हो जाएगा ज़ीरो. जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मोस्टली इसमें से. अब एक और क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने को आएगा आपको. सेवन रूट थ्री अपॉन रूट टेन प्लस रूट थ्री माइनस टू रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू अपॉन रूट फिफ्टीन माइनस थ्री रूट, रूट फिफ्टीन प्लस थ्री रूट टू. ठीक है, अब हम इस केस में क्या करेंगे, इंडिविजुअली टर्म्स को पहले हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद हम उनको सॉल्व करेंगे. टेकिंग द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लेते हैं हम, उसको रैशनलाइज कर देंगे. सेवन रूट थ्री रूट टेन प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट टेन माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टेन ए प्लस बी ए माइनस बी. तो टेन माइनस थ्री सिंपल आपका सेवन आ जाएगा इसका, और ये ऊपर आपका आ जाएगा सेवन रूट थर्टी माइनस सेवन रूट थ्री ट्वेंटी वन. सेवन रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री 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 रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन. तो सेवन रूट थर्टी माइनस ट्वेंटी वन अपॉन सेवन, सेवन कॉमन गया इसमें से क्या बचा, रूट थर्टी माइनस थ्री अपॉन सेवन, सेवन सेवन कट. तो इसका जो फर्स्ट टर्म का आपका आंसर है वो आ जाएगा रूट थर्टी माइनस थ्री. सेकेंड टर्म है आपकी टू रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव, रैशनलाइज कर लेंगे इसको हम, रूट सिक्स माइनस रूट फाइव. टू रूट फाइव इंटू टू इंटू रूट सिक्स कितना आ जाएगा इसका, टू रूट थर्टी, टू रूट फाइव माइनस रूट फाइव, रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, फाइव टू जो टेन, इसका आ जाएगा आपका सिक्स माइनस फाइव वन. तो सिंपल इसको लिख लेंगे हम टू रूट थर्टी माइनस टेन,
ये आपकी फर्स्ट टर्म थी या आपकी सेकेंड टर्म थी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है आपकी थ्री रूट टू अपॉन रूट फिफ्टीन प्लस थ्री रूट टू, रैशनलाइज कर लेंगे इसको। थ्री रूट टू इंटू रूट फिफ्टीन, थ्री रूट थर्टी, थ्री रूट टू इंटू थ्री रूट टू, थ्री सिक्स नाइन, नाइन टू जर एटीन माइनस एटीन, और इसका आ जाएगा आपका फिफ्टीन, थ्री थ्री जर नाइन टू जर एटीन। थ्री रूट थर्टी माइनस एटीन अपॉन माइनस थ्री, ये आपकी होगी थर्ड टर्म। अब हम इन तीनों टर्म्स को जो हमने इंडिविजुअल निकालनी है हम मैनेज कर लेंगे। फर्स्ट टर्म थी आपकी रूट थर्टी माइनस थ्री, साइन माइनस का आएगा, टू माइनस रूट थर्टी माइनस टेन वेट, हम इसको थर्टी को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इस टर्म को हम पहले थ्री कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से थ्री हमने कॉमन निकाला तो कितना आ गया, माइनस थ्री कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस रूट थर्टी और प्लस सिक्स, नीचे माइनस थ्री कट हो जाएगा तो आपकी टर्म बन जाएगी सिक्स माइनस रूट थर्टी। तो इसको हम वही लिख लेंगे यहाँ पे, ये दोबारा से कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म थी आपकी रूट थर्टी माइनस थ्री माइनस टू रूट थर्टी माइनस टेन, माइनस सिक्स माइनस रूट थर्टी। रूट थर्टी माइनस थ्री माइनस टू रूट थर्टी प्लस टेन माइनस सिक्स प्लस रूट थर्टी, रूट थर्टी प्लस रूट थर्टी टू रूट थर्टी माइनस टू रूट थर्टी माइनस थ्री प्लस टेन माइनस सेवन, सॉरी माइनस थ्री प्लस सेवन, माइनस थ्री प्लस टेन कितना होगा, ये सेवन, सेवन माइनस सिक्स वन। तो इसका आपका आंसर कितना आया, इसका आंसर आपका वन। एक बार गो थ्रू कर लो ये वाला क्वेश्चन, जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन। सेवन रूट थ्री अपॉन रूट टेन प्लस रूट थ्री माइनस टू रूट फाइव अपॉन रूट सिक्स प्लस रूट फाइव माइनस थ्री रूट टू अपॉन रूट फिफ्टीन प्लस थ्री रूट टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सो इनफ फॉर टुडे, and I will WhatsApp you some questions based on today's lecture, so you just attempt those questions, and have any doubt then WhatsApp me.